गाय जिसका डर था वो खो चुका है, क्रॉसिंग बंद पड़ी है, तो करते हैं वेट। बताओ यार, आपने किसी और को अंकल क्यों बोला? आप खुद ही दादाजी जो अरे नानू के पास इसका जवाब भी नहीं है। आज अपन ने अपने एक सब्सक्राइबर बढ़ा लिए, पूरा भैया ने अपने को सब्सक्राइब कर लिया है। गाइस आप देख सकते हैं अपने इंडिया में कितने इनोवेटिव लोग हैं, जिनमें आप अपना फेस भी देख सकते हैं। ये वो वाला कांच है, क्या मस्त है गाइस, अपन ने सबसे पहले ही देख लिया था ये। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ चैनल। मैं भी ठीक हूँ, उम्मीद करता हूँ आप सब भी ठीक होंगे। गाइस आप अपने माथे का टीका देख के तो ये समझ ही गए होंगे कि आज है भाई दूज, और अपनी छोटी बहन ननकू ने अपनी पूजा भी खरीदी है। और गाइस भी अपन को है ना फ्री जाते हुए अपने घर पे बुलाया था ये कैन देने के लिए, उनको ये कैन की जरूरत थी। और उनके घर पे एक काम भी हो रहा है, उनके घर पे एक काम भी हो रहा है, तो वो भी अपन देख के आते हैं क्या काम हो रहा है। और ये कैन भी देख के आ जाते हैं उन्हें फटाफट से। दरवाजे के जो पहिए वगैरह हैं और ये घूमने वाले पार्ट है ना, उन्हीं में ही डालना था इसको। और गाइस ये दरवाजा थोड़ा जाम भी हो जाता है क्योंकि ये लोहे का है और ये भारी भी है थोड़ा सा। और आप देख सकते हैं सामने कुछ ऐसा काम हो चुका है। गाइस चाची है ना अपनी, वो ये इसी कमरे में रहेंगी, तो यहाँ से थोड़ी सी दीवार टूट जाएगी और यहाँ पे है ना वॉशरूम्स वगैरह बन जाएंगे, तो उसी के लिए ये गड्ढा खोद रहे हैं यहाँ पे। ये कितना बड़ा बनेगा? यहाँ तक बनेगा, यहाँ तक। दरवाजा भी हटा देंगे, फिर गेट कहाँ से निकलेगा? गेट यहाँ से निकलेगा, 6 इंच। तो गाइस अपन काम देखने आए थे और काम तो अच्छा खासा चल ही रहा है। और गाइस अपन ने साथ ही साथ यहाँ पे अपने आधे नाखून तो काट ही लिए, आधे नाखून घर पे काट लेंगे। तो दादी ठीक है, जब फटाफट से चलते हैं घर और घर चल के पढ़ाई करते हैं, फिर आगे का हम देखते हैं। गाइस शाम के बज चुके 5 और अभी अपन जा रहे हैं कार में कहीं पे, तो आपको सीन तो अपन रास्ते में समझा ही देंगे। तो गाइस सीन कुछ ऐसा है, आज है भाई दूज, तो मम्मा को टीका करना है ना मामा के भाई दूज का। तो अभी नाना नानू नानी जो है ना वो आंगन साइड में आए हुए हैं, तो यहाँ से नानू नानी को पिक करना है, फिर उसके बाद उनके घर चलना है, फिर उसके बाद टीका करेंगे मम्मा। तो उसके बाद एक मस्त बात भी है, तो वो आपको बता ही देंगे। गाइस जिसका डर था वो खो चुका है, क्रॉसिंग बंद पड़ी है, चलिए तो करते हैं वेट। और कार लेके तो और गलत आ गए अपन, अब है क्रॉसिंग खुल भी चुकी है। गाइज ये कॉन्सिडेंस अगर आपके साथ भी हुआ हो तो जरूर बताना कमेंट में। अपन तो बहुत ज्यादा लकी हैं जो क्रॉसिंग खुल गई। गाइज अभी है ना एक बीच में क्रॉसिंग आएगी, अपन नानू नानी को लेने जाएंगे, तो अपने नानू नानी से कहते हैं उस क्रॉसिंग को पार करके आ जाना वरना गाड़ी फंस सकती है उसमें। अपन एक बार सब्जी मंडी जा रहे थे तो एक क्रॉसिंग आई थी ना बीच में, इस पर अपन फंस चुके थे, तो वही क्रॉसिंग है उसी पे अपन दोबारा भी फंस सकते हैं। इस पर 3-4 ट्रेनें निकली थी, इसलिए गाइस अपन उसे क्रॉस नहीं कर रहे हैं, उन्हें कह रहे हैं कि आप उसे क्रॉस करके इस तरफ आ जाओ। अब देख सकते हैं यही है वो ब्रिज, उसी क्रॉसिंग के लिए बन रहा है, लेकिन है ना ये ब्रिज बन ही नहीं पा रहे क्योंकि बीच में क्रॉसिंग है, तो खंभे कहाँ से खड़े करेंगे। इस तरफ है वो क्रॉसिंग, नानी नानू जो है ना वो यहाँ वाले रास्ते से आएंगे। मामा के लिए मिठाई भी तो लेनी है ना अपन को, तो गाइस अपन थोड़ा सा वहाँ पे वेट कर रहे थे जहाँ पे अपनी गाड़ी मांझा खड़ी हुई है, तो अपन ने सोचा यार वेट भी कर लेते हैं और मिठाई भी ले ही लेते हैं। फाइनली आ चुकी है और अपन उन्हें बिठा रहे हैं अभी कार में, पापा बिठा रहे हैं कार में क्योंकि गाइस अपन को मिठाई लेने में लगेगा टाइम। नमस्ते नानी। नमस्ते बेटा, खूब विद्या देवे भगवान मेरे बेटे को, खूब तरक्की करे, खूब नाम कमा रहे, कोई नानी से आशीर्वाद भी ले लिया। गाइस आज अपन ने अपने एक सब्सक्राइबर बढ़ा लिए, गाइस पूरा भैया ने अपने को सब्सक्राइब कर लिया, थैंक यू। गाइस फाइनली अपन ने मिठाई ले ली है, मिठाई अपने आंसू स्वीट से ली है, तो गाइस आप भी देखिएगा बहुत अच्छी मिठाई है और जरूर लेने आइएगा यहाँ पर। चलिए गाइस अब फटाफट से चलते हैं। तो गाइस अपन ने फाइनली मिठाई ले ली है और गाइस नानू नानी भी अपनी कार में बैठ चुके हैं। नानू
दादू की ट्रेन में जा रहे थे तो उन्हें है ना फ़ोन करना था नानी वगैरह को, तो फ़ोन उनके पास तो रहता नहीं है और नानी के पास तो फ़ोन रहता है। ऐसे बेटा रहता नहीं है, वो रखते नहीं है, यूं बोल। गाइस मतलब यार फ़ोन तो वो रख सकते हैं चाहे तो, लेकिन वो रखते ही नहीं है। सबने खूब कोशिश करी फ़ोन चलाना सिखा दिया, लेकिन यार नानू चला ही नहीं पाते फ़ोन, पता नहीं ऐसी और सिस्टम है। तो उन्होंने किसी और से कहा कि नानी को कॉल करने की कह दिया, तो उन्होंने कहा अंकल जी वो कॉल कर दो ऐसे, मेरा नाम श्री कृष्ण है। तो गाइस यार मतलब उस वक्त हंसी आई। गाइस नानू की एज तो 70 के आसपास होगी, लेकिन गाइस यार वो तो खुद ही दादू बन चुके हैं। अंकल किसे बोल रहे हैं, उन्हें तो कोई और अंकल बोलेगा। यार ये सोच के तो बहुत अच्छे हैं। बताओ यार आपने किसी और को अंकल क्यों बोला, आप खुद ही दादाजी हो। अरे नानू के पास इसका जवाब भी नहीं है। अरे भाई साहब बोलते भाई, भाई साहब बोलना चाहिए ना, भाई बराबर के होते, उनको बहन जी बोलो, बहन जी बोलो। गाइस पापा का और मम्मा का तो सबका आज उसके बुरा हाल हो रहा है, तो ऐसी कॉमेडी करते रहेंगे। अरे यार क्यों, मैं अभी से घर में फोन करूं ऐसे बताऊं तो सब हंसेंगे। तो गाइस नानू ऐसे ही कॉमेडी करते रहेंगे और अपन आपको बताते रहेंगे। पापा अभी गाड़ी पार्क कर, और गाइस ये एक नया रेस्टोरेंट खुला है तो यहाँ पे अपन आज अपना डिनर करेंगे, तो फटाफट से चलते हैं। पहले पापा गाड़ी तो पार्क कर दें एक बार अच्छे से, और बाकी सब भी आ जाए। ऐसे ही रेस्टोरेंट तो बड़ा अच्छा लग रहा है। इस साइड में यहाँ पे झूले हैं और साइड में ये कुछ डिजाइन्स हैं। अपनी कार वहाँ पे पार्क कर दी है, और वैसे देखा जाए ना गाइस तो अंदर भी हॉल है, लेकिन गाइस अपन अंदर डिनर नहीं करेंगे अपना, बाहर अच्छा हो रहा है यार, ग्रीनरी है मस्त, मौसम भी बड़ा मस्त है, तो अपन बाहर बैठ के ही अपना डिनर करेंगे। लेकिन गाइस अभी मामा आएंगे ना, तो मामा का वेट भी तो करना पड़ेगा ना। बस अपन मामा के इंतज़ार में यहाँ पे घूम फिर के टाइम पास कर रहे हैं, फोटो सेशन कर रहे हैं। गाइस आप देख सकते हैं अपने इंडिया में कितने इनोवेटिव लोग हैं, जिन्होंने गर्ल्स टॉयलेट के लिए एक औरत बनाई है, कितनी मस्त लग रही है ना ये, और बीच में कांच भी बनाई दी है साथ में। मैं आप अपना फेस भी देख सकते हैं, ये वो वाला कांच है, चेक करके आते हैं अपन को, तो अपना फेस दिखना ही, क्योंकि अपनी हाइट तो बहुत छोटी है। मस्त है गाइस, अपन ने तो सबसे पहले ही देख लिया था ये। लेट हो गए। अरे पूछो मत, ट्रैफिक इतना था कि कुछ भी मत। सारा ट्रैफिक मामा के लिए था। सारा ट्रैफिक मामा के लिए था। जरूर बताना आपको रास्ते में दिख गया था। ये बहाना मारने का तरीका। गाइस मामा तो हमारे भाई के बारे में भी कुछ भी बोलती रहती है। तो गाइस सब आ चुके हैं, अपन अब अंदर चल के खाना खाएंगे, क्योंकि गाइस अपनी ठंड भी बहुत हो चुकी है। फटाफट से अब चलते हैं। फाइनली अपना डिनर आ चुका है, तो शुरू करते हैं खाना। खाने को तो 5 में से 3 स्टार दे सकते हैं, लेकिन मैंने जो भी हूँ मिस्टी रोटी तो अच्छी नहीं लगी। पापा ने कहा था मैं भी शॉप में एक ही मंगवाता हूँ। तो गाइस अपना फाइनली मस्ट डिनर हो चुका है, फटाफट से अपने हाथ पहुँचे टिश्यू पेपर से, हमारे हाथ धो लेते हैं वहाँ पे जाके फटाफट। गाइस मस्त खाना वाना सब हो चुका है, और अपन ने खाने में 5 स्टार में से 3 स्टार रेटिंग भी दे दिया। और गाइस रात हो के बज चुके हैं 8, इसलिए ट्रैफिक भी हो चुका है थोड़ा कम, तो फटाफट से अब घर चलते हैं। तो गाइस अपन अपनी गली में करने वाले हैं एंटर, तो फटाफट से अपनी गली में एंटर करते हैं, फिर अपने घर चलते हैं। आज के लोग बताइए पे एंड आई होप कोई लोगों चल ब्लॉग चल रहा तो लाइक करना, चल रहा ना तो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड डू इस वन कॉर्नर मेल सो वैल्यूएबल एंड कॉर्ड नथिंग। बाय।